हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आपके साथ में सिंथेसिस चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस की बात करें अगर तो सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन यानी जोड़ना। आप देखते हैं कि बिना सिंथेसिस के कोई भी काम नहीं हो सकता। आप टेबल देखते हो, टेबल में जोड़ करके सिंथेसिस करके टेबल को तैयार किया जाता है। चेयर में देख, हमारी बॉडी में हर जगह से आप देखेंगे हाथ है, ये बॉडी से जुड़ा हुआ है सिंथेसिस। कुहनी, ये सिंथेसिस। उंगलियां सिंथेसिस, यानी जितनी भी इस संसार में जितनी भी चीजें दिखती हैं वो कहीं ना कहीं सिंथेसिस दिखती है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे इस सब का ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर हम सिंथेसिस करेंगे। किसकी सिंथेसिस करेंगे? हम करेंगे सेंटेंसेज की सिंथेसिस करेंगे, यानी सेंटेंसेज को हम सिंथेसिस करेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जोड़ करके हम सिंथेसिस करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो पहली बात आती है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसके पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बताया, जिसमें केवल और केवल ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसी को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो अब सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या रूल्स हैं, आप किस तरह से सिंथेसिस करेंगे सिंपल सेंटेंस का, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके, तो उसमें तरह तरह की यूज है। जैसे पहला होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। तो पहले पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। पार्टिसिपल एक ऐसा, ये पार्टिसिपल आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है जो कि सब्जेक्ट से बिना प्रभावित हुए रहता है। पार्टिसिपल के तीन प्रकार, पार्टिसिपल तीन होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इस पार्टिसिपल का यूज कब किया जाता है, तो जब दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए हुए हैं और सब्जेक्ट सेम है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे देखिए, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही फेल डाउन, ये सेंटेंस लिखा हुआ, वो स्कूल गया वो गिर गया। इस सेंटेंस में ही और ही एक ही सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सेंटेंस हैं और सब्जेक्ट सेम है, तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि हम कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और कब पास्ट का यूज करेंगे और कब परफेक्ट का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी होता है और हिंदी में इसका अर्थ होता है ते ही, कर, ये हिंदी में इसका अर्थ होता है। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब एक्शन टू रिएक्शन होता है, एक्शन टू रिएक्शन। अगर एक्शन टू रिएक्शन हो रहा है, जैसे क्या होता है कि हमने कोई चीज देखा और तुरंत बिना सोचे ही भागने लगते, जैसे आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, आई रैन अवे विद फियर, मैं भाग गया डर के मारे, भाग गया।
तो जब ऐसी प्रोजिशन है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो गया एक्शन और रिएक्शन में। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस है तो कोई एक सेंटेंस पहले वाले किसी नाउन की विशेषता होता है। जैसे मान लो आई हैव अ चेयर, इट इज ब्रोकन, मेरे पास एक कुर्सी है ये टूटी हुई। तो टूटी हुई इसमें क्या रहता है, इसमें हिंदी में अगर बात करें हुआ हुई हुए, हुआ हुई हुए ये दिखा रहे, टूटी हुई टूटे हुए ये सब खिलौने ये हिंदी। और ये वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आई हैव अ चेयर इट इज ब्रोकन, मेरे पास एक कुर्सी है जो टूटी हुई, ब्रोकन माने टूटी हुई। तो इसी को क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसका करके ये वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। इसमें क्या होता है कि करके या के बाद, यानी देयर विल बी अ गैप, दो कार्यों के बीच में जब गैप होगा तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे और तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उसे आप समझोगे तभी समझ में आएगा। ही वेंट टू स्कूल, ही फेल डाउन, वह स्कूल गया वो गिर गया, यानी स्कूल जाते ही तुरंत गिर गया। यहां पर ये नहीं है कि स्कूल जाकर फिर आराम से गिरा, ऐसा नहीं है, स्कूल पहुंचा और स्लिप कर गया, गिर गया। तो जो अब आपको ध्यान देना है, यहां पर जाने का काम हो रहा है और गिरने का काम हो रहा है, ये दो वर्ब हो रहे हैं। तो जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, तो हम करते हैं बेंट सेकंड फॉर्म लिखा हुआ। और मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, वर्ब की थर्ड आईएनजी फॉर्म कर देना। हमने क्या किया, गोइंग टू स्कूल ही फेल डाउन, देखिए बन गया Going to school he fell down, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। Going to school he fell down, स्कूल जाते ही वह गिर पड़ा। चलिए और आप देख लेते हैं, see saw a snake, उसने एक सांप देखा। See ran away with fear, देखिए See, ran away with fear. ये है। अब सांप देखा और देख करके कोई ऐसा तो है नहीं आदमी कि ओ सांप कैसे हो, ये तो सब कहने वाली बातें। सांप को देखते हो ओए सांप, भाग खड़े होते हैं, तुरंत आप भागते हो तो क्या होगा। हमने यहां क्या हुआ, See, saw a snake, स्नेक देखने का काम हो रहा है और भागने का काम हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। हमने पहले स्नेक देखा तब तो भागा, पहले भागा तब स्नेक, ऐसा नहीं है, पहले उसने स्नेक देखा तब भागी। तो हम क्या करते हैं, सींग स्नेक, सींग और स्नेक, सी रैन अवे विद फियर, अब देखिए कभी कभी होता क्या है, अभी तक तो यहां पर पहला वर्ब हो रहा है, कभी कभी उसमें भी हो सकता है दूसरा वर्ब भी पहले हो सकता है, कैसे देखते हैं एग्जांपल से। जैसे आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, ही वॉज बीटिंग हिज सन, अब यहां आप देखेंगे कि एक काम देखने का हो रहा है और एक पीटने का, है ना, दो काम हो रहे हैं, यहां देखने का काम हो रहा है और पीटने का। तो अब आप कौन सा काम पहले हो रहा है, मैंने देखा मोहन, वह पीट रहा था, यानी पहले से पीट रहा था, जब पीटा होगा आवाज आई होगी तब आपने देखा कि क्या हो रहा है। तो क्या है, पहले आई सा मोहन, मोहन को मैंने देखा, ही वाज बीटिंग हिज सन, वो अपने बच्चे को पीट रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म लिखी है इसका मतलब पार्टिसिपल है, तो आप जिससे रिलेटेड है उसके बगल में उसको रख दें, आई सा मोहन,
मैंने मोहन को देखा बीटिंग हिज सन। मैंने मोहन को देखा अपने पुत्र को पीटते हुए, तो बीटिंग हो गया। यानी क्या है, अगर पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद रखते थे, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं बात करूंगा पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया क्या होता है, हुआ, हुई, हुए, यानी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई रहेगी। तो जैसे देखते हैं, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। इट इज ब्रोकन, ये टूटी हुई, ठीक है। इट इज ब्रोकन, तो क्या करेंगे, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, यानी क्या है, जिसके बगल में जो विशेषता, ब्रोकन किसकी विशेषता बता रहा है, चेयर की बता रहा है, आप चेयर की पहले रख दो। मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है, बन गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द कारपेंटर रिपेयर्ड द टेबल, द कारपेंटर रिपेयर्ड द टेबल इट वॉज ब्रोकन, बन गया, इट वॉज ब्रोकन, ये टूटी हुई थी। तो अब क्या करते हैं, द कारपेंटर रिपेयर्ड अ ब्रोकन चेयर, ऐसे बन जाएगा, द कारपेंटर रिपेयर्ड अ ब्रोकन चेयर, क्या बन गया, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, किसमें की, परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो ये पार्टिसिपल खत्म हो जाए, परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने बताया, देयर विल बी अ गैप, शॉर्ट गैप बिटवीन टू वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स। जैसे आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। आई ले डाउन फॉर रेस्ट, फॉर रेस्ट। अब देखिए यहां दो काम, मैं लेट गया और मैं भोजन लिया। तो भोजन ऐसा तो नहीं है खाते जाओ और आराम से लेट गए, ऐसा तो होता नहीं। भोजन खाए, हाथ धुले, पानी पिए, बिस्तर लगाए, ये सब काम करने के बाद आप लेटोगे। तो यहां क्या दिख रहा है, यहां एक गैप दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हैविंग टेकन माई फूड आई ले डाउन फॉर रेस्ट, काम करके आई ले डाउन फॉर रेस्ट। बन गया, ऐसे बना लेते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, द सर्वेंट शट द शॉप, ही वेंट टू हिज होम। द सर्वेंट शट द शॉप, ही वेंट टू हिज होम, वो अपने घर गए। तो सर्वेंट बंद किया दुकान और वो घर गया, जाने और बंद करने का यहां आपको दिख रहा है। तो पहले बंद किया होगा, फिर उसने ताला लगाया, उसने पकाए और कुछ पानी पिया होगा या तंबाकू या कुछ भी खाया होगा, तुरंत तो नहीं बंद किया और भाग खड़ा हुआ, ऐसा नहीं हुआ ना। तो देयर विल बी अ गैप, यहाँ क्या है, गैप होगा, दोनों काम होंगे। तो आपको करना है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग शट द शॉप, द सर्वेंट, अब आप ही ना लिख के क्या कर दोगे, सर्वेंट कर दो, सर्वेंट वेंट टू हिज होम, ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट।
तो चलिए ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने पार्टिसिपल का यूज बताया। आगे वीडियो अब मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू इसके बनते रहें। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे उनको ग्रामर में काफ़ी मदद हेल्प मिलेगी। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है, ये भी मुझे सजेस्ट करिए। वीडियो को लाइक करिए। आज बस इतना ही, नमस्कार।